हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के एडगेट अभ्यास पुस्तक के हिंदी के पार्ट 6 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों विजय गान। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चे चलते हैं इस पार्ट के प्रश्न उत्तरों की तरफ। बच्चों, इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है धरती का तत्सम शब्द है, तो ये हो जाएगा धारणी। प्रश्न क्रमांक 2 है मनुष्य जीवन की सफलता में बाधक है, तो ये अहंकार। तीसरा है मंत्र शक्ति द्वारा समूचे समुद्र का जल सूखने वाला वाले ऋषि कौन थे, तो ये थे ऋषि अगस्त्य। प्रश्न क्रमांक 4 है काल भी व्यवहित होता है, तो लोह हृदय से। प्रश्न क्रमांक 5 है स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, तो कविता की शोभा किससे बढ़ती है, तो कविता की शोभा बढ़ती है अलंकार से। प्रश्न क्रमांक 6 है तस्वीर को डैश छू नहीं पाता, तो ये तपस्वी को डैश छू नहीं पाता, तो ये हो जाएगा मोह। साथ है दुर्गम जीवन पथ की तुलना डैश से की गई है तलवार की धार से। 8 है चंद्रमा का पारिवारिक शब्द है, तो ये है रजनीश। 9 है वीर डैश की पतवारों से सिंधु पार करते हैं, तो प्राणों की पतवारों से सिंधु पार करते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है दधी का तद्भव शब्द है, तो ये है दही। प्रश्न क्रमांक 11 है बाधा का दुर्दम सागर पंक्ति में रेखांश शब्द के 3 समान तुकांत वाले शब्द लिखिए, तो ये हो जाएगा नागर गागर और ये लागर। प्रश्न क्रमांक 12 है आप वीरों के कौन से 2 गुण अपनाना चाहेंगे, तो इसका उत्तर है हम वीरों के निम्न गुणों को अपनाना चाहेंगे। एक है दृढ़ इच्छा शक्ति, दूसरा है मोह माया से दूरी, तीसरा है साहस, चौथा है प्रयत्नशीलता। प्रश्न क्रमांक 13 है विजयगान कविता में कवि किन किन को आपस में टकराने की बात कर रहा है, तो इसका उत्तर है कवि समुद्र को हिमालय से, सूर्य को चंद्रमा से, धरती को आकाश से टकरा देना चाहता है। प्रश्न क्रमांक 14 है तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो इसका उत्तर है तलवार की धार पर चलना मुश्किल कार्य करना वाक्य। आजकल राजनीति तो तलवार की धार पर चलने के समान है, तो इसका अर्थ तो हो गया बच्चों मुश्किल कार्य करना और वाक्य ये हो ही गया। प्रश्न क्रमांक 15 है निम्नलिखित पंक्तियों में तपस्वी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं, तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ दी हैं छूने पाए मोना तुमको बनो तपस्वी लोह हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय, तो इसका उत्तर है तपस्वी पुरुष इस संसार की मोह माया से दूर रहता है और वह हमेशा निडर रहता है। प्रश्न क्रमांक 16 है धरा को पाप से मुक्त कैसे किया जा सकता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे धरा को पाप ताप के जलन से मुक्त किया जा सकता है, जब धरा को तपाया जाएगा तो उससे धरा पाप से मुक्त हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 17 है मानव जीवन का महासंग्राम क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर है मानव जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, इस कारण मानव जीवन को महासंग्राम कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 18 है कविता विजयगान में से आई अनुप्रास अलंकार की कोई 2 पंक्तियां लिखिए, तो इसका उत्तर है सूर्य चंद्र अवनी अंबर जल जाएगा पास पुराण ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय, तो ये आपकी पंक्तियां हो गई। प्रश्न क्रमांक 19 है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी हैं टकरा दे 2 सिंधु हिमाचल सूर्य चंद्र अवनी अंबर संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर पापों से संतप्त धरा का पाप ताप में जलने दो घुमड़ घुमड़ कर नव मंडल को नित अंगार उगलने दो जल जाएगा पास पुराना पर्वस्ता अंचल जर्जर संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर, तो ये पंक्तियां हैं इनका अर्थ हमें लिखना है भावार्थ लिखना है, तो देख लेते हैं इनका भावार्थ। तो बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप भी यहाँ से देखकर इन पंक्तियों का भावार्थ लिख लीजिएगा। तो इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।